बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कैसे हमें भगवान बताएंगे या वो अल्टीमेट पावर्स, वो डिवाइन पावर, दैट यूनिवर्स विल टेल अस कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं इसको आगे कैसे करूँ, वो आगे कब हमें आंसर करेंगे. सो देयर आर डिफरेंट वेज व्हेन यूनिवर्स इज कम्युनिकेटिंग विद अस एवरी टाइम, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज साइंस, वी नीड टू जस्ट सी कि वो क्या क्या साइंस हैं जिनसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं हमारे साथ में, राइट? और बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं एंड वी थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक हाउ यूनिवर्स टॉक्स टू अस, कम्युनिकेट विद अस, व्हाट आर द साइंस, क्या वो इशारे हैं, क्या वो हिंट्स हैं, हमें कैसे समझना चाहिए. तो आज हम कुछ फोर टिप्स के, फोर साइंस के बारे में बात करेंगे. And in our later video, next video, we will talk more about it. Okay, so hi everyone, this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spec. Today we are going to talk about universe sign. कैसे universe हमें sign देते हैं कि आप ये ठीक कर रहे हो या आपका काम कैसे बनेगा और भी बहुत सारी चीजें कि plan क्या है, right? Okay, so first thing. What exactly it is? First thing is your intuition. You know what? Intuition gets strong. आप जो सोचते हैं, जैसा आपको लगने लगता है कि ऐसा होगा, वो जो पावर है वो आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है. यानी कि आप अगर कुछ काम करने जा रहे हैं और बाकी लोग कह रहे हैं ये ठीक है, नहीं है, कन्फ्यूजन एक स्टेट माइंड में आ रही है, लेकिन आपके माइंड में ऐसा कुछ कन्फ्यूजन नहीं आता है और आप कहते हैं कि नहीं, whatever I'm doing, this is right, and ये बिल्कुल ठीक है, मैं तो यही करूँगा. और जब आप उसको करते हैं तो results totally positive आते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल right track पे हूँ और ये काम बिल्कुल ठीक होगा. और वो बिल्कुल सही होता है. इसका मतलब है कि आपके जो higher self हैं, आपके जो angels हैं, your guides, they are telling you that keep going, ये ठीक है और आपको ऐसे ही करना चाहिए. तो आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होने लग जाता है कहीं ना कहीं. आपके माइंड में जो चीज़ें आ रही हैं, दैट मीन्स कि वो आपको सिग्नल दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं. और राइट, एंड सेकेंड थिंग इज सिंक्रोनिसिटी. अब सिंक्रोनिसिटी क्या होती है? जब आप एक काम करने जाते हैं, एक स्टेप कंप्लीट होता है और सडनली जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, वो भी अच्छे से सक्सेसफुली पूरा हो जाता है. फिर थर्ड स्टेप परफॉर्म किया जाता है और वो भी बहुत अच्छे से सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश हो जाता है. सो स्टेप ऑन स्टेप आपके काम बनते चले जाते हैं. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स योर हायर गाइड्स आर हेल्पिंग यू एंड टेलिंग यू दैट कीप गोइंग. आप जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक है एंड इसी तरह से करते जाएंगे, आपको सक्सेस मिलती जाएगी. डोंट स्टॉप एंड डोंट क्विट. ओके, तो ये एक इशारा होता है. तो जब भी आपके काम बनते जा रहे हैं, दैट मीन्स आपको करते चले जाना चाहिए, राइट? सो दिस इज द नंबर टू, सिंक्रोनिसिटी. ऑलराइट, सो नंबर थ्री इज इंस्पिरेशन. अब इंस्पिरेशन क्या होती है? इंस्पिरेशन इज समथिंग, कोई आइडिया आता है माइंड में कुछ नया करने का कि लेट्स डू दिस, और उसके एग्जैक्टली बाद थोड़ी देर के बाद में हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं. कभी भी ऐसा कुछ हो कि कोई आइडिया आपके माइंड में आए कुछ करने का, सो उसे निगलेक्ट मत कीजिए. एंड उसको जब भी आप, अगर आप एनालाइज करेंगे बाद में कि ऐसा करेंगे तो ये होगा, इफ नो बट लो मेनी थिंग्स कम्स इन टू योर माइंड, बाद की बातें हैं. जैसे ही आइडिया माइंड में आया, कुछ ना कुछ पर्पस है उसका. जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, देयर मस्ट बी सम पर्पस बिहाइंड दैट. तो उसको कैसे परफॉर्म करना है, वहाँ पे आप माइंड लगाएं, इंस्टेड कि आया चला गया कोई बात नहीं, लेट इट गो, ऐसा नहीं करेंगे. तो ये एक इंस्पिरेशन है. आप किसी को मिलते हैं, किसी को देखते हैं, आपको लगता है कि दिस पर्सन इज डूइंग इट, आई थिंक मैं भी कुछ इस टाइप का कर सकता हूँ. लेकिन फिर आप थोड़ी देर के बाद में सोचते हैं कि नो इट्स नॉट लाइक माई कप ऑफ टी, आई शुड नॉट गो फॉर इट. अगर माइंड में आया है
कुछ ना कुछ रिलेशन, कुछ ना कुछ पर्पस है, ट्राई कीजिए उसको परफॉर्म करने का. दैट मीन्स यू कैन डू दैट. आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, बट आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. सो इंस्पिरेशन जब भी किसी आइडिया से या किसी को देख कर आती है, तो प्लीज़ उसको ऐसे ही मत जाने दीजिए, निग्लेक्ट मत कीजिए, राइट? और वैसे भी जब हम ये बोलते हैं कि माइंड में आता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, वो हम कहते हैं वी नीड टू गो टू सम रिलीजियस प्लेस, और फिर हम कहते हैं जाना तो है, पता नहीं कब जाएंगे, प्रोग्राम बनता है, ख़त्म हो जाता है, नहीं जा पाते, और फाइनली कहते हैं कि सडनली चलो चलते हैं, एकदम से बन जाता है प्लान और हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद कहना शुरू करते हैं बुलावा आया था तो चले गए. What does that mean? बुलावा आया था, कोई आपको किसी ने लेटर नहीं भेजा, इन्विटेशन, कोई फ़ोन नहीं किया, इट जस्ट केम इन टू योर फ्रॉम योर इनर सेल्फ. आपके अंदर से ये आवाज़ आई कि मुझे जाना है. मुझे जाना है मतलब कोई प्लान है आपके लिए, कुछ प्लान रेडी है, दैट्स वाई ये प्लान बना. ओके, आपने कुछ नहीं बनाया, आपने कुछ नहीं किया, जस्ट आइडिया केम इन टू योर माइंड और आपने उसको एग्जीक्यूट किया. तो जब भी कोई आइडिया माइंड में आए, उसको एनालाइज कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, कभी भी उसको निग्लेक्ट मत कीजिए, राइट? एंड आफ्टर दैट डिज़ायर. कभी भी अचानक से कोई डिज़ायर आपके मन में आती है कि, बहुत छोटी सी चीज़ की बात करती हूँ, मन करता है कि चलो एक शॉपिंग कर आते हैं, कोई प्लान नहीं है, लेकिन बैठे बैठे एकदम से हुआ कि चलो शॉपिंग करके आते हैं, ये खरीद के लाते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद में सोचते हैं नहीं नहीं बजट ऑफ हो जाएगा, नहीं करते हैं, या फिर कुछ बड़ी चीज़ लेने का प्लान होता है और फिर मन मायूस कर लेते हैं, नहीं नहीं बजट बिगड़ जाएगा, नहीं करना चाहिए, ये नहीं होगा. बट जब आप खुद को ये सोचेंगे कि ओके फाइन, मेरे मन में आया है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं से इसको भेजा गया है, सिग्नल को, तो आई थिंक आई शुड वर्क फॉर इट, कि ये कैसे होगा, क्योंकि हर एक चीज़ तो बिल्कुल नहीं आपको पक्की पकाई मिलेगी, यू हैव टू डू समथिंग, थोड़े एक्शन आपको भी करने होंगे, करेक्ट? तो आपको उसके अरेंजमेंट्स पे वर्क करना है फिर, कि ये एग्जैक्टली कैसे मैं इसको फिजिकली करके देखूँ या करूँ इसे, मैं इसे कैसे साकार करूँ, उसके लिए काम आपको करना पड़ेगा. दिमाग में अगर आपके ये सिग्नल भेजा गया है कि यस यू शुड बाय दिस, तो आपको उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए. ओके, क्योंकि बजट्स जो है ना, वो सब कुछ अल्टीमेट प्लान के अंदर लिखा हुआ है कि ये सब मैनेज हो जाएगा. ये तो आपकी अपनी एक सोच है, आपका थॉट प्रोसेस है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. डोंट गो नेगेटिव, डोंट थिंक नेगेटिव, जस्ट थिंक कि आया है दिमाग में, मतलब प्लान रेडी है, आई नीड टू वर्क ऑन दिस, आई नीड टू मेक द अरेंजमेंट्स, एंड देन यू विल सी. जब आप उसको एग्जीक्यूट करने का, एक्शन लेने का स्टार्ट करेंगे, वो चीज़ कैसे, कितनी जल्दी आपकी जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, और आफ्टर दैट इवन यू विल बी हैप्पी कि कुछ बजट में प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ भी चीज़ें नहीं हिली, इनफैक्ट उसके लिए प्लान रेडी था, आपको सिर्फ वहाँ तक पहुँचना था, आपको सिर्फ एक्शन लेके वहाँ तक पहुँचना था, दैट्स इट. अगर आप वो नहीं करते और बैठ जाते ये सोच कर कि पता नहीं क्या होगा, तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, राइट? सो वर्क दैट वे. सो दीज आर द फ्यू साइंस विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज, एंड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे another four sign of universe, how universe communicates with us, and we should never never neglect these signs, kyunki ye bahut bahut important hain, hame inhe choti choti cheezon ko samajhna bahut zaruri hai, aur yahi cheeze hain jinki wajah se hum grow kar pate hain life mein. Otherwise we are right now, our souls are like, you know, we have become a human being, so being human, we have to think that way, but being a soul, we need to think other way around. So, theek hai, next video mein milte hain with some more signs of universe communicating with us. Thank you so much, and tab tak try kijiye observe karne ka ki kuch aisa aapke saath bhi life mein ho raha hai. So, you are not supposed to neglect it. Thank you so much. Have a very great day.